सुप्रभात बच्चों, नमक ये आप कहानी पढ़ रहे हैं गलता लोहा, शेखर जोशी की कहानी है और उसमें दो वीडियो आपके पास पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में आप पेज संख्या 60 से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया था कि इस तरह वो अपने परिवार का आधा पेट भर पाते थे। कौन? वंशीधर तिवारी, जो कि मोहन के पिताजी थे। तो उनका जो पंडिताई का काम था उसमें कोई ख़ास कमाई नहीं होती थी, और ख़ास कमाई ना होने के कारण वो इतना भी पैसा नहीं बचा पाते थे या कमा पाते थे जिससे कि अपने परिवार की गुजर बसर ठीक से कर सकें। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। पिताजी चाहते थे कि अब तो मोहन से ही सारी उम्मीदें हैं, वो पढ़ लिख जाएगा तो परिवार की जो दरिद्रता है वो मिट जाएगी, वंश की जो दरिद्रता है वो मिट जाएगी। और यह उनकी दिल से इच्छा थी कि मोहन ऐसा इतना पढ़ा लिखा हो कि घर की जो गरीबी है वो पूरी तरह से हट जाए। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता, खाली इच्छा होने से कुछ नहीं होता, बल्कि उस इच्छा के अनुरूप आदमी की उम्मीदें भी पूरी होनी चाहिए। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। अब पहली समस्या ये आती है पिताजी के सामने कि गांव में जो विद्यालय था वो प्राइमरी स्तर तक का था, वहां तक की पढ़ाई तो मोहन ने पूरी कर ली, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई के लिए उसे गांव से 4 मील दूर जाना था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो पहली बात तो ये थी कि 2 मील की चढ़ाई करनी पड़ती थी, पहाड़ी इलाका था। दूसरी बात ये थी कि बरसाती एक नदी रास्ते में पड़ती थी और उस नदी को बरसात के मौसम में पार करना बड़ा मुश्किल कार्य था। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन वंशीधर तिवारी अपने निश्चय पर अटल थे कि मुझे अपने बच्चे को इसको अच्छा पढ़ाना लिखाना है, और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया और उन्होंने उसका एडमिशन उसी स्कूल में जो 4 मील दूर था घर से वहाँ करा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता था। तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्याव्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। तो स्कूल जाता, स्कूल से थकने के बाद छुट्टी के बाद थका मांदा घर पे लौटता था। तो जब वो उसका मन टूट जाता था, थकान हो जाती थी, स्कूल का बड़ा लंबा 4 मील का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता था, तो थके हुए बच्चे को अपने दिलासा देते थे वो वंशीधर तिवारी। कहते थे कि बेटा पुराणों में लिखा है, कथाओं में सुना है कि जो विद्या व्यसनी बालक होते हैं वो अपने विद्या अध्ययन के समय बहुत ही कष्ट उठाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनको बहुत आराम मिलता है और ज़िंदगी उनकी मज़े में कटती है जब उनको कोई व्यवसाय या कोई नौकरी मिल जाती है। वर्षा के दिनों नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में के यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। तो मोहन बरसात के दिनों में वहां जाना थोड़ा मोहन के लिए मुश्किल था, इसलिए वंशीधर तिवारी ने उस गांव में ही, उनके वहां भी एक यजमान रहते थे, यजमान कहते हैं जिनके यहां पे वो पुरोहिताई का काम करते थे, उनके यहां मोहन का डेरा तय कर दिया। उनको कह दिया, रिक्वेस्ट की उनसे कि मेरा बेटा है और कुछ दिन आपके यहां रह लेगा बरसात के दिनों में। तो उन्होंने भी सहयोग किया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता। उस गांव उस परिवार के और भी बच्चे स्कूल जाते थे और मोहन भी खा पी के उनकी तरह ही स्कूल जाता, और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। जब छुट्टियां पड़ती थी और नदी उतर जाती थी तो वापस गांव में आ जाता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। तो एक दिन की बात है, छुट्टी का पहला ही दिन था और नदी पानी से पूरी तरह से भरी पड़ी थी। धीरे धीरे नदी का पानी उतर भी रहा था। तो जब नदी का पानी उतर रहा था, उतार पे था, तो मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, घर आने की कोशिश कर रहा था। कुछ घसियारे भी थे, वो भी नदी पार कर रहे थे। तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। तो अचानक क्या होता है, पहाड़ के उस ओर, चढ़ाई के उस ओर भारी बारिश होती है और अचानक नदी में बाढ़ आ जाती है।
पहले नदी की धारा में झाड़ झंकाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए। तो पहले तो आते हैं झाड़ झंकाड़ पत्ते, और जैसे पत्ते आने लगते हैं तो जो अनुभवी घसियारे थे उन्होंने समझ लिया कि बाढ़ आने की स्थिति बन गई है। तो उन्होंने तेजी से पानी को काट कर, पानी को चीर कर वह आगे बढ़े। आगे बढ़ने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमेले पानी का रैला उन तक आ ही पहुंचा। लेकिन वो किनारे तक पहुंचे भी नहीं थे घसियारे के, तभी बहुत तेज से पानी का एक बहुत भारी मात्रा में पानी का रैला उन तक आ पहुंचा। रैला का मतलब भारी मात्रा में पानी। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और भविष्य बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। उस दिन के बाद से उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से कहानी का मोड़ शुरू होता है। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। तो जिन दिनों में वंशीधर तिवारी अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर के चिंतित थे, और वो नदी वाली घटना, बाढ़ वाली घटना घटित हो गई थी, और उनकी चिंताएं और भी ज़्यादा, दुश्वारियां उनकी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ही उन्हीं की बिरादरी का ब्राह्मण परिवार का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश, जो कि लखनऊ में नौकरी करता था, वो वापस गाँव में आता है छुट्टियों में। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे, किससे, रमेश से अपनी चिंता बताई कि भाई मेरा बेटा है मोहन, पढ़ाई लिखाई में तो होशियार है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए जो विद्यालय है वो गांव से इतना दूर है, और वहां भी क्या है कि ये बीच में नदी पड़ती है कम वक्त, इसने तो एक दिन मार ही दिया था इसको। तो रमेश उसको सहानुभूति देता है और सुझाव दिया उसने कि मेरे साथ मोहन को लखनऊ भेज दो आप, घर में जहाँ चार प्राणी हैं एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता। अरे हम खाना जैसा खा रहे हैं वैसा तुम्हारे बच्चे को खिलाएंगे, एक आदमी के जाने से क्या फ़र्क पड़ता है खाने में, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा, और लखनऊ जैसे शहर में जहाँ इतनी अच्छी शिक्षा है वहाँ आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। वंशीधर को लगता है कि रमेश तो मेरे लिए भगवान है। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। उनका गला भर आया, भावुक हो गए और कहने लगे कि भाई देख, तू मेरी बिरादरी का है, तू ही मेरी समस्या समझ पाया, बिरादरी का यही तो सहारा होता है आदमी को। छुट्टियाँ शेष होने पर रमेश वापिस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। तो छुट्टियां समाप्त हुई, रमेश कहाँ आया, गांव में लौट आया, और गांव की दुनिया से बिछड़ा हुआ जो मोहन था वो भी उसके साथ कहाँ आया, वो भी लखनऊ आ पहुंचा। जब अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, रिश्ते में वो उनकी चाची भाभी लगती थी, दो महिलाएं थी घर में, उनका हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मोहल्ले की जो स्त्रियां हैं उससे काम करवाने लगती हैं अपने अपने काम के लिए, यानी सबको घर बैठे एक नौकर सा मिल गया। तो ये उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है मोहन के जीवन में। घर में जहाँ उसका अपना गांव में ख्याल रखने वाले माँ बाप थे, यहाँ तो उसको नौकर की तरह रखा जाने लगा। कोई चाची या भाभी कहती, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। दूसरी कहती, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आ। तीसरी कहती, मोहन एक किलो आलू तो ला दे। तो यानी हर मोहल्ले की हर स्त्री उससे कुछ ना कुछ काम बताती रहती थी। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। तो जो रमेश बाबू थे वो एक क्लर्क थे, दफ्तर में बाबू थे, और मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना उनको अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। उनको लगता था कि ये स्टेटस मेरा इससे डाउन जाएगा अगर मैं किसी को बताऊँगा कि ये मेरा अपना परिवार का है, और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था, इसलिए उसकी जो हैसियत रह गई उस घर में केवल एक घरेलू नौकर की रह गई। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। मोहन की समझ में भी आने लगी थी बात कि यहाँ इस घर में तेरे साथ में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है।
थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। तो रमेश ने क्या करा दिया, उसका दाखिला करा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बनाया। तो गांव में तो था एक मेधावी छात्र, लेकिन जैसे शहर में आया तो उसकी आइडेंटिटी खत्म होती चली गई। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। तो उसका जो जीवन था वो एक बंधी बंधाई लीक पर चलने का मतलब क्या हो गया कि रोजाना की उसकी दिनचर्या वही हो गई, सुबह से शाम तक उनके काम करना। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में गुजार देना पड़ता था। अब क्योंकि फ्री का नौकर था सबके लिए, तो जब वो गांव जाने की बात करता था सब उससे मुँह बनाते थे, कहते थे गाँव जाके क्या करेगा, अगली क्लास की तैयारी यहीं कर ले। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। तो ये तो केवल एक बहाना था कि अगली क्लास की तैयारी कर ले, वरना सच्चाई तो ये थी कि हर आदमी को उसमें अपना नौकर दिखाई देता था और उसके जाने से सबको असुविधा हो सकती थी। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। अब उसके पास में कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो उनकी सेवा करता रहे। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि घर वाले उसकी वास्तविक स्थिति से परिचित हों और बड़े दुखी रहें, इसलिए अपने माँ बाप को उसने घर पर कुछ नहीं बताया। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे, उधर पिताजी उसके अच्छे उज्ज्वल भविष्य की जो कल्पना थी वो चल रही थी उनके मन में। तो बच्चों ये आज पेज नंबर 61 हमने करा दिया, उसके बाद भी कुछ पेज बचे हैं, तो इनको अगली वीडियो में। धन्यवाद।